वेरी वेरी गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। तो डियर स्टूडेंट, डिस्पर्जन में आज की क्लासेस में हम समझेंगे कंबाइंड मीन। तो आपने मेजरमेंट ऑफ स्टैंडर्ड टेंडेंसी में समझा ही था, आज के क्लासेस में हम कंबाइंड स्टैंडर्ड डेविएशन के बारे में समझेंगे। एक ग्रुप होगा, उसका अपना एक स्टैंडर्ड डेविएशन होगा, एक दूसरा ग्रुप है उसका अपना स्टैंडर्ड डेविएशन है, बट जब दोनों ग्रुप को कंबाइंड करेंगे तो इनका स्टैंडर्ड डेविएशन क्या होगा, उसको हम बोलते हैं कंबाइंड स्टैंडर्ड डेविएशन। तो आइए, फॉर्मूला आपके सामने है कंबाइंड स्टैंडर्ड डेविएशन का, N1। N1 का मतलब कि फर्स्ट ग्रुप में कितने नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन है। स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ 1, जो कि आपको मैंने कैलकुलेट करना सिखा दिया तीन डिफरेंट फॉर्मूले से, एक तो आपके पास में मीन के थ्रू, एक एक्चुअल डेटा के थ्रू आपको कैलकुलेट करना सिखा दिया, और एक अज्यूम मीन मेथड। तीन मेथड थे आपके स्टैंडर्ड डेविएशन निकालने के, तीनों मेथड ऑलरेडी हो चुके हैं, क्लासेस देखिएगा प्रीवियस। तो आपके पास में फर्स्ट जो आपका सीरीज है उसके अंदर कितना ऑब्जर्वेशन है और उसका स्टैंडर्ड डेविएशन आपको कैलकुलेट करना होगा, नहीं तो आपको डायरेक्ट गिवन भी हो सकता है। ये D1 क्या है? D1 बच्चे यहां पर आप देखेंगे, D1 बेसिकली क्या है कि जो फर्स्ट, D1 का मतलब हो गया जो फर्स्ट सीरीज का जो मीन है, फर्स्ट सीरीज का आपका जो मीन है, फर्स्ट सीरीज का उसमें से भी मीन माइनस करना। अब ये सवाल है कौन सा मीन, तो ये बच्चे कंबाइंड मीन है। कौन सा? कंबाइंड। तो ये आपके पास में कौन सा मीन हो गया बच्चे? कंबाइंड। कंबाइंड मीन जितने भी सीरीज है, कंबाइंड मीन कैसे निकालते हैं मैं भी अभी भी बता दूंगा, लेकिन पीछे मैंने बताया हुआ है आपको। तो अगर आप फर्स्ट सीरीज के मीन में से उसका कंबाइंड मीन को माइनस कर दोगे तो आपके पास में D1 आएगा, सेकंड सीरीज के मीन में से कंबाइंड मीन माइनस करोगे तो D2 आएगा, एंड थर्ड सीरीज के मीन में से अगर आप कंबाइंड मीन माइनस करोगे तो D3 आएगा। तो इस तरीके से D3 निकालना है। तो फॉर्मूला याद करिए, D1 आपको फिर से रिपीट कर दूंगा। तो सबसे पहले स्टार्टिंग करते हैं फर्स्ट से, स्टैंडर्ड डेविएशन 1 का स्क्वायर प्लस आपका D1 का स्क्वायर प्लस उसी तरीके से सिमिलर आगे कंटिन्यू होगा, N2 स्टैंडर्ड डेविएशन 2 का स्क्वायर प्लस में आपके पास में D2 का स्क्वायर, और यहां पर जितने भी ग्रुप्स हैं उन सबके टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन और अंडर रूट। ये आपके पास में क्या हो? कंबाइंड स्टैंडर्ड डेविएशन का सवाल है। क्वेश्चन लेते हैं, क्वेश्चन के थ्रू आपको ज्यादा बेटर समझ में आएगा। देखिए, फ्रॉम द फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन कैलकुलेट द कंबाइंड स्टैंडर्ड डेविएशन। चलिए, तो सबसे पहले आपके पास में सबसे पहले रिक्वायरमेंट आपको किसी एक, आप अपना फॉर्मूला ही लिखते हैं अगर, तो स्टैंडर्ड कंबाइंड स्टैंडर्ड डेविएशन अगर आप ले रहे हैं 1-2 दोनों सीरीज का, अंडर रूट, कलर चेंज करते हैं, स्टैंडर्ड डेविएशन लेते हैं, तो सबसे पहले आपके पास में रहेगा N1 ब्रैकेट स्टैंडर्ड डेविएशन 1 का स्क्वायर प्लस D1 का स्क्वायर, N2 दो सीरीज है तो दो सीरीज पे काम करेंगे, स्टैंडर्ड डेविएशन 2 का स्क्वायर प्लस D2 का स्क्वायर, ये आपका फॉर्मूला है। क्लियर है? तो यहां पर आपके पास में N1 नंबर ऑब्जर्वेशन है, सब कुछ है, एक चीज की रिक्वायरमेंट है D1 निकालने के लिए। तो D1 कैसे निकालते हैं? स्टैंडर्ड डेविएशन में गिवन है आपका, तो D1 निकालेंगे। तो D1 के लिए आप फर्स्ट सीरीज का मीन और उसमें से आप कंबाइंड मीन माइनस करेंगे, तो कंबाइंड मीन आपके पास में है नहीं यहां पर। तो कंबाइंड मीन किस तरीके से निकालेंगे आप? कंबाइंड मीन का फॉर्मूला होता है, फर्स्ट ग्रुप में 90 ऑब्जर्वेशन है, ठीक है, और आपके पास में ये आपका मीन है, दिस वन, यहां पे करेक्शन कर लीजिए, ये मीन गिवन है, ठीक है। तो फर्स्ट ग्रुप में कितना ऑब्जर्वेशन है? 90 ऑब्जर्वेशन है, और इन फर्स्ट ग्रुप का मीन कितना है आपका? 20। तो 90% है, सबका मीन 20 है, सब पे 20-20 है, तो फर्स्ट ग्रुप का टोटल कितना होगा? क्लियर है बच्चे? तो आप टोटल कंबाइंड मीन का मतलब होता है कि पूरे ग्रुप का आपको मीन निकालना है। जैसे आपकी क्लासेस में बॉयज हैं, आपकी क्लास में गर्ल्स भी हैं, बॉयज का अपना एक एवरेज मार्क्स है, गर्ल्स का अपना एक एवरेज मार्क्स है, आप पूरी क्लास का एवरेज मार्क्स चाहते हैं, तो कंबाइंड मीन हो गया। तो क्या करेंगे? नंबर ऑफ बॉयज को उनके एवरेज से मल्टीप्लाई करेंगे तो बॉयज का टोटल आ जाएगा, नंबर ऑफ गर्ल्स को उनके एवरेज से मल्टीप्लाई करेंगे तो गर्ल्स का टोटल मार्क्स आ जाएगा, और आप इन टोटल मार्क्स का सम करेंगे तो पूरी क्लासरूम का टोटल मार्क्स आ गया, और टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन से डिवाइड कर देंगे तो पूरी क्लासरूम का एवरेज आ जाएगा। तो इसी तरीके से आपके पास कंबाइंड मीन निकालना है,
तो आपके पास में एन वन इंटू आपके पास में जो एक्स बार है वन प्लस एन टू और मल्टीप्लाई बाय एक्स बार टू और अपॉन में एन वन प्लस एन टू, ये कंबाइंड मीन का फॉर्मूला होता है। थ्री होगा तो फिर हम आगे कर सकते हैं एन थ्री एन एक्स बार थ्री अपॉन प्लस में एन थ्री आ जाएगा, कंटिन्यू हो जाएगा ये। तो एक्स बार इक्वल्स टू आपके पास में पहले कितना ऑब्जर्वेशन है, 90 ऑब्जर्वेशन है और इसका जो मीन है वो क्या है 20 है, एंड सेकेंड सीरीज के पास में 60 ऑब्जर्वेशन है और इन सब के पास में ईच एंड एवरी ऑब्जर्वेशन के पास में 15 15 है डेटा है, क्लियर है। और डिवाइडेड बाय आप 150 डिवाइड करेंगे तो सॉल्व करेंगे आप, यहां पर आपके पास में आ गया 1800 और प्लस 900 अपॉन 150। सॉल्व करिएगा आप 1800 प्लस 900 डिवाइडेड बाय 150 18, आपका 18 आ गया। अब कंबाइंड मीन का ही यूज करना है आपने, तो आपको सॉल्व करेंगे इसको, फॉर्मूला अप्लाई करेंगे तो आपके पास में एन वन 90 स्टैंडर्ड डेविएशन वन का स्क्वायर, स्टैंडर्ड डेविएशन वन आपके पास में क्या है, ये सही से टाइप नहीं हुआ है, देख के बता देता हूं मैं आपको, स्टैंडर्ड डेविएशन 8 और दूसरा 6 है, ठीक है 1 है 2 है, तो स्टैंडर्ड डेविएशन 1 का स्क्वायर 8 का स्क्वायर प्लस आपके पास में d1, तो d1 की वैल्यू क्या आएगी, d1 इक्वल्स टू आपके पास में फर्स्ट का मीन माइनस में कंबाइंड मीन, तो d1 इक्वल्स टू आपका फर्स्ट का मीन आपके पास में 20 एंड कंबाइंड मीन आपके पास में 18, तो ये 2 वैल्यू आई है। इसी तरीके से आप क्या निकालोगे d2 की वैल्यू, तो आपके पास में सीरीज 2 का मीन माइनस में कंबाइंड मीन, तो d2 की वैल्यू आपके पास में सेकंड सीरीज का मीन आपके पास है 15 एंड माइनस आपके पास में क्या आया 18, तो माइनस का 3, कोई फर्क नहीं पड़ता, स्क्वायर होके पॉजिटिव ही हो जाएगा फिगर, ये क्लियर है आपको। चलिए तो यहां पर आप देखेंगे 8 का स्क्वायर और आपके पास में d1, d1 का स्क्वायर, d1 के आपके पास है 2 का स्क्वायर प्लस n2, n2 आपके पास में बच्चे क्या है 60 और आपके पास में 1 का स्क्वायर, तो 1 का स्क्वायर अगर आप करेंगे यहां पर 60 और आपके पास में स्टैंडर्ड डेविएशन 2 का स्क्वायर 6 का स्क्वायर और ये आपके पास में 3 का स्क्वायर हो जाएगा माइनस 3 का स्क्वायर, स्टैंडर्ड डेविएशन इक्वल्स टू कंबाइंड स्टैंडर्ड डेविएशन इक्वल्स टू 90 और ये 8 का 64 और 4 68 60 और स्टैंडर्ड डेविएशन 2 के हमारे पास में 6 था, तो 36 प्लस 9 तो 36 45 स्टैंडर्ड डेविएशन इक्वल्स टू 68 मल्टीप्लाई बाय 90 प्लस 60 मल्टीप्लाई बाय 90 इंटू 68 6120 45 इंटू 60 2700 स्टैंडर्ड डेविएशन, सॉल्व करेंगे 2700 प्लस 6120 क्या रहा आपका 20, क्लियर है बच्चे। अब यहां पर आप देखेंगे इसका रूट निकालेंगे, कुछ गड़बड़ हुआ है, अच्छा अपॉन में एन भी था ना फॉर्मूले में, एक कॉमन मिस्टेक करा हमने शुरू से ले लास्ट तक आपका चैट, देखिए एक कॉमन मिस्टेक करते हुए चल रहे हैं हम, एन वन प्लस एन टू ये भी फॉर्मूला था ना आपका N1 प्लस N2,
90 प्लस 60 अपॉन 150 अपॉन 150। देखो मैं इतना बड़ा कैसे स्टैंडर्ड डेविएशन आ सकता है, 8820 डिवाइडेड बाय 150 और उसका रूट 7.66। ये आपका आंसर है कंबाइंड स्टैंडर्ड डेविएशन। क्लियर है बच्चे? तो उम्मीद करता हूं आपको कंबाइंड स्टैंडर्ड डेविएशन समझ में आ गया है। हेलो, अब ठीक है बच्चों? अब आ रही है वॉइस? ठीक है। देखिए आपके पास है टेबल, समझिए नंबर्स मतलब नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन। फर्स्ट ग्रुप में 50 है, सेकंड ग्रुप में आपको पता नहीं है, थर्ड ग्रुप में 90 है और कंबाइंड का मतलब तीनों ग्रुप की बात कर रहा है 200 है। तो तीनों ग्रुप का जो सम है वो 200 ऑब्जर्वेशन है। तो फर्स्ट का रिप्लेस कर दिया, सेकंड पता नहीं हमें, थर्ड हमारे पास में 90 है, 200 तीनों का है। तो सॉल्व करेंगे इसको हम, तो हमारे पास रिजल्ट क्या रहा, N2 प्लस 140 इक्वल्स टू 200 एंड N2 इक्वल्स टू क्या जाएगा हमारा 60। तो सबसे पहले आपके पास में N2 नंबर क्या है, 60 है। ये बात तो आपको समझ में आ गई है, क्लियर है? अब बात करते हैं स्टैंडर्ड डेविएशन की। अगर हम कंबाइंड मीन पे आ जाइए, इसमें मिसिंग में आप कंबाइंड नंबर से कंबाइंड मीन पे आइए। कंबाइंड मीन हमारे पास में क्या कहता है, तीनों का कंबाइंड मीन की बात करेंगे। तो मैं कंबाइंड मीन की बात करता हूं, तो हमारे पास में मीन 1, 2, 3 तीनों सीरीज की मैं बात कर रहा हूं। कैसे निकलेगा, फर्स्ट का ऑब्जर्वेशन, फर्स्ट का मीन, सेकेंड का ऑब्जर्वेशन, सेकेंड का मीन, थर्ड ऑब्जर्वेशन इंटू थर्ड मीन अपॉन N1 प्लस N2 प्लस N3। यही तो होगा, सॉल्व करेंगे आप। N1 नंबर वन आपके पास में कंबाइंड मीन तीनों का, तो ये आपका फर्स्ट का मीन है, ये सेकंड का पता नहीं, ये थर्ड का मीन है, और तीनों का मीन कितना है आपको मालूम है। तो तीनों का मीन आपको पता है तो आप उसकी वैल्यू रिप्लेस करिए, 116। ठीक है, N1 फर्स्ट ऑब्जर्वेशन कितना है 50 एंड फर्स्ट का मीन क्या है 113, सेकंड ऑब्जर्वेशन क्या है 60 एंड सेकंड का मीन क्या है आपको ये पता नहीं है, थर्ड का ऑब्जर्वेशन क्या है 90 एंड उसका मीन कितना है 115 अपॉन N1 प्लस N2 N3 200 मल्टीप्लाई करेंगे 12 3 2 यहां गया इक्वल्स टू 113 × 50 5650 प्लस 60 × 2 प्लस 115 मल्टीप्लाई बाय 90 10350 अपॉन 200 सॉरी 200 तो हमने यहां पे भेज दिया ना। अब सॉल्व करेंगे हम, 2320 माइनस
5650 16000 एक प्लस इक्वल्स टू 60x2 23200 माइनस 16000 7200 डिवाइडेड बाय 60 120 वैल्यू आ गई हमारे पास में मीन टू की। क्लियर है बच्चे? तो मीन टू हमें मिसिंग था तो हमने निकाल लिया। कितनी वैल्यू आई हमारे पास में मीन टू की? वैल्यू आई है 120, तो 120। आपके पास में रह क्या गया? सिर्फ एक ही चीज तो रह गया, स्टैंडर्ड डेविएशन थर्ड का। तो तीनों का स्टैंडर्ड डेविएशन आप किस तरीके से लेंगे? क्लियर है? अब देखिए जरा क्वेश्चन को, बात करते हैं हम तीनों के स्टैंडर्ड डेविएशन की। हाँ जी, सामने देखेंगे। आपके पास में यहां पर स्टैंडर्ड डेविएशन कंबाइंड तीनों का, फॉर्मूला अप्लाई करते हैं, क्या रहेगा आपका n1? क्लियर है? और स्टैंडर्ड डेविएशन 1 का स्क्वायर प्लस d1 का स्क्वायर, n2 स्टैंडर्ड डेविएशन 2 का स्क्वायर प्लस d2 का स्क्वायर, n3 स्टैंडर्ड डेविएशन 3 का स्क्वायर प्लस d3 का स्क्वायर। अब आपके पास में यहां पर सबसे पहले क्या, आपके पास में n1 है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, स्टैंडर्ड डेविएशन है, सब कुछ आपके पास में, बस आपके पास में d1 d2 d3 की वैल्यू निकालने की रिक्वायरमेंट अब आपके पास में आ चुकी है। तो कैसे निकालेंगे वैल्यू? d1 कैसे निकालेंगे? d1 निकालेंगे आप कंबाइंड, तीन सीरीज की बात कर रहे हैं। तो यहां पर आपके पास में बेसिकली क्या रहता है, x1 माइनस मीन। अब कंबाइंड मीन तीनों की बात करेंगे। तो आपके पास में फर्स्ट का मीन कितना है? फर्स्ट का मीन 113, और कंबाइंड मीन क्या है आपके पास में? 116। तो कितना है आपके पास में? -3। इसी तरीके से आप d2 कैलकुलेट करेंगे, तो x2 माइनस में कंबाइंड मीन, तो यहां भी माइनस होगा, तो x2 क्या आपके पास में? 120, और कंबाइंड मीन आपके पास में 116, तो ये क्या आया? 4। और आप d3 कैलकुलेट करेंगे तो मीन ऑफ थर्ड सीरीज एंड कंबाइंड मीन, तो मीन ऑफ थर्ड सीरीज कितना आपका? 115 थर्ड ग्रुप, और माइनस कंबाइंड मीन 116। तो सॉल्व करेंगे आपके पास में क्या आएगा? आपके पास में आ गया -1। ठीक है, अब अपने स्टैंडर्ड डेविएशन में वापस लौट के आई, फॉर्मूला अप्लाई करेंगे। स्टैंडर्ड डेविएशन 1, 2, 3 तीनों का हमें गिवन है। स्टैंडर्ड डेविएशन तीनों का गिवन है हमें क्या? 7.746। हाँ जी, n1 क्या हमारे पास है? 50। बैक स्टैंडर्ड डेविएशन 1 कितना है हमारे पास में? 6 का स्क्वायर प्लस d1 क्या आ जाएगा? 9 हो जाएगा। मैं डायरेक्ट ही कर देता हूं, है ना, स्पेस कम है हमारे पास में। स्टैंडर्डेशन 1 का स्क्वायर, स्टैंड 1 क्या है? 6, 36। d1 का स्क्वायर, d1 क्या है? 9। n2 हमारे पास में 60। स्टैंडर्डेशन 2 का स्क्वायर, 2 क्या है हमारे पास? 49, और ये 16। क्लियर है बच्चे? समझ गए? थोड़ा सा श्रेयस अय्यर अच्छा खेल रहा है तो वो बार बार डिस्ट्रैक्ट कर रहा है हमें। क्लियर है? कोई डाउट किसी बच्चे को? हाँ जी, तो थर्ड की बात करते हैं। थर्ड ऑब्जर्वेशन हमारे पास में क्या है? 90। एंड थर्ड स्टैंडर्ड डेविएशन हमारे पास में क्वेश्चन मार्क, जो कि हम फाइंड कर रहे हैं, और प्लस d3 की वैल्यू क्या है हमारे पास में? 1। -1 का स्क्वायर 1 हो जाएगा। अब सॉल्व इसको आप करें, 7.746
देखो 3609 45 इंटू 50 डबल 250 49 क्या कह रहे हैं सर? N1 प्लस N2 प्लस N3 नहीं होगा? हाँ बिल्कुल होगा सर, कौन कह रहा है नहीं होगा? अरे कौन कहता है नहीं होगा? N1 प्लस N2 प्लस N3 बिल्कुल होगा सर, गलती के लिए क्षमा याच करता हूं मैं आपसे, 200 ठीक है। सॉल्व करेंगे 49 प्लस 16 65 इंटू 60 39। आगे सॉल्व करेंगे प्लस 90 स्क्वायर प्लस 90। अब आप इसको सॉल्व करेंगे तो सबसे पहले इस रूट को यहां पर आप भेज दीजिए, इसको हटाइए आप, तो मतलब स्क्वायर हो जाएगा, तो 7.746 का आप स्क्वायर करेंगे तो रिजल्ट आपका रहेगा 60.005, तो 60 मान के चल लीजिए, 60.00 है तो 60 है, और इंटू 200 करोगे तो क्या हो जाएगा ये 1200 12000। क्लियर है बच्चे? तो ये 12000 हो गया। अब सॉल्व करेंगे, यहां पर ये स्क्वायर भी हट गया, ये नीचे भी चला गया, यहां ऐड कर लीजिए आप 2250 2250 प्लस 3900 प्लस 90 कितना हो 6240, तो 6240 में से आप माइनस कर दो, डायरेक्ट ही कर दो माइनस। चालीस प्लस 90 स्क्वायर आप सॉल्व करेंगे तो इसमें से 12000 माइनस कर देंगे आप, तो 5760 डिवाइडेड बाय 90 12000 माइनस 6240 एंड डिवाइडेड बाय 90 उत्तर लिया है, इसको इधर माइनस कर दिया, सिक्सटी फोर इक्वल्स टू स्क्वायर एंड स्टैंडर्ड डिवीजन 3 इक्वल्स टू रूट 8, ये इसका आंसर है। तो ये क्या है हमारे पास में 8। क्लियर है? वेरी गुड धीरज, एक्सीलेंट। तो उम्मीद करता हूं कि आपको ये चीजें समझ में आ गई हैं। अब हम आगे बढ़ते हैं, कोफिशिएंट ऑफ वेरिएंस कुछ भी नहीं है, स्टैंडर्ड डेविएशन के आपने सीखा नहीं, कैसे निकालते हैं? मीन के थ्रू निकालते हैं, एक आपका जो है ए एज्यूम मीन मेथड से निकालते हैं, और एक आप डायरेक्ट मेथड होता है, तीन मेथड बता चुका हूं मैं, कैसे भी करके स्टैंडर्ड डेविएशन तक पहुंचिए, निकालिए उसको, बस उसके मीन तो भाई आपके पास में होगा, मीन से डिवाइड कर दीजिए, इंटू 100 कर दीजिए, तो ये क्या आ जाएगा आपके पास में, ये आपके पास में आ जाएगा कोफिशिएंट ऑफ वेरिएंस, तो स्टैंडर्ड डेविएशन डिवाइडेड बाय मीन इंटू 100, तो कोफिशिएंट ऑफ वेरिएंस। अब आपके पास में यहां पर द मीन एंड स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ द टू ब्रांड्स ऑफ दिस, अब आपको कोफिशिएंट ऑफ वेरिएंस निकालना है, गिवन बिलो, तो कैलकुलेट द मेजर ऑफ रिलेटिव डिस्पर्जन फॉर द टू ब्रांड्स एंड द इंटरप्रेट द रिजल्ट, रिजल्ट को आपको इंटरप्रेट करना है। तो कभी भी आपको रिजल्ट को इंटरप्रेट करना है तो क्या निकालना पड़ेगा आपको, उसके लिए आपको कोफिशिएंट ऑफ कोवेरिएंस कैलकुलेट करना है। चलिए पहले आप करें और अपना कमेंट आंसर में करें। देखिए बात करता हूं ब्रांड वन की, स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ ब्रांड वन डिवाइडेड बाय मीन ऑफ ब्रांड वन इंटू 100, तो ब्रांड वन इक्वल्स टू 25/2 12.5% एंड इसी तरीके से ब्रांड टू इक्वल्स टू आपके पास में स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ ब्रांड टू, आप
क्या निकालेंगे? कॉफिशेंट ऑफ वेरियंस निकालने जा रहे हैं हम। कॉफिशेंट ऑफ वेरियंस किसका? ब्रांड टू का। कभी भी परफॉर्मेंस की बात करें तो आप कॉफिशेंट ऑफ वेरियंस निकालिए। अब ब्रांड टू का तो स्टैंड एविएशन ऑफ ब्रांड टू इज 60 एंड मीन 770 और इनटू 100। क्लियर है? कोई डाउट? सिक्सटी डिवाइडेड बाय 770 इंटू 100। सॉल्व करेंगे कोफिशिएंट ऑफ वेरिएंस ब्रांड टू 7.60 डिवाइडेड बाय 7.7 है, 2 है। तो जिसका कोफिशिएंट ऑफ वेरिएंस कम आएगा ना वो ज्यादा कंसिस्टेंस होगा। तो कंसिस्टेंसी में कौन है ज्यादा? आपका ब्रांड टू है। क्लियर है? कोई डाउट किसी बच्चे को? डन। चलिए अब देखिएगा इसी तरीके से नंबर ऑफ एम्प्लॉय है, एवरेज ऑफ द पर एम्प्लॉय पर डे, एवरेज गिवन है आपके पास में, और आपके पास में वेरिएंस ऑफ वेजेस पर एम्प्लॉय पर डे, आपके पास में वेरिएंस गिवन है उनका। तो वेरिएंस से आप क्या निकाल सकते हैं? उसका स्टैंडर्ड डेविएशन निकाल सकते हैं। क्लियर है? वेरिएंस का स्क्वायर होता है स्टैंडर्ड डेविएशन। बात समझ रहे हैं? सॉरी, वेरिएंस का रूट होता है स्टैंडर्ड डेविएशन। तो यहां से आप इनका स्टैंडर्ड डेविएशन निकाल करके स्टैंडर्ड डेविएशन को उसके मीन से डिवाइड करके कोफिशिएंट ऑफ वेरिएंस निकालिए दोनों का। करो जरा, बस अब यही क्वेश्चन रह गया था, कुछ तो आपके इसमें बचा नहीं है। करो जरा इसको, इस क्वेश्चन को करना है बच्चे। अब एक क्लास और आपकी नेक्स्ट क्लासेस, लास्ट क्लास आपकी रहने वाली है, और उसके बाद आपके पास में हम डिस्पर्जन कंप्लीट कर देंगे। तो कल लास्ट क्लास है आपके डिस्पर्जन के, और कल के बाद आपके पूरी तरीके से डिस्पर्जन का टॉपिक कंप्लीट हो जाएगा, और हम परसों से आपका मेजरमेंट ऑफ सन अटेंडेंस में जो चीज़ मिसिंग है उस पर फोकस करेंगे।